हेलो स्टूडेंट। तो आज अपन गुरुनीति 25 एपिसोड में बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो मेरा नाम रिंकेश और मेरे साथ है देविंदर सरवाल। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अपने को x plus 3 की पावर 8 अपॉन 7 और x minus 2 to the power 6 अपॉन 7। तो ये जो फॉर्मेट है ये कुछ ऐसे फॉर्मेट है ना, जब भी अपने पास किसी इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, x plus अल्फा और x plus बीटा नीचे फैक्टर्स हैं और उसकी जो पावर्स हैं मान लो वो क्या है, m और n है। तो क्या होता है इसमें कि जब m plus n, इसको m ले लेते हैं अपन और इसको n ले लेते हैं, ठीक है। तो m plus n की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी भी एक फैक्टर को क्या कर लेते हैं, फ्री फ्रॉम रेडिकल, यानी कि उसकी जो पावर है उसको एक इंटीजर में चेंज कर सकते कर लेते हैं अपन, है ना। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर 8 अपॉन 7 है और यहाँ पर क्या है, 6 अपॉन 7 है। तो देखो मैं ना 8 अपॉन 7 को चेंज कर लेता हूँ, जिसमें 8 अपॉन 7 को मैं अपन ऐड कर लें क्या, 6 अपॉन 7, मतलब इसको ऐड कर दूं मैं इसमें, तो क्या बन जाएगी, पावर 2 बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x plus 3 की पावर 6 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा अपने को, x minus 2 अपॉन x plus 3 होल टू द पावर 6 अपॉन 7 और यहाँ आ जाएगा x plus 3 का होल स्क्वायर। और अब इसके बाद अपन को देखो एकदम साफ नजर आएगा, क्या नजर आएगा, x minus 2 अपॉन x plus 3 को आप ना t लेट करोगे तो नीचे x plus 3 का होल स्क्वायर बनेगा, तो वो क्या dt में चला जाएगा। तो मैंने इसको पावर 7 चेंज कर लेते हैं मन सीधे ना, ठीक है। इसमें dl सॉरी n अपॉन d से क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, तो x plus 3 minus x minus 2 minus 2 अपॉन में होल स्क्वायर, x plus 3 का होल स्क्वायर और इधर आ गया सर 7 t की पावर 6 dt। तो x x कैंसिल तो माइनस 5 आ गए, तो इससे आ गया सीधा dx अपॉन x plus 3 की पावर 2 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 5 t की पावर 6 dt। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 7 अपॉन 5 बाहर ले लेते हैं अपन और नीचे आ गया 6 t टू पावर 7 क्या हो जाएगा, t टू पावर 6 और ऊपर आ जाएगा t की पावर 6 dt, t टू द पावर 6 dt, और ये सब चला गया dt में, है ना। तो अब क्या हो गया अपना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया अपना माइनस 7 अपॉन 5 t स्क्वायर अपॉन 2। मैंने इंटीग्रेशन करके सीधे ना, सीधे t है ना, अच्छा सॉरी आ गया, तो ये आ गया t और t ये आ जाएगा, पुट करोगे दिस पार्ट की पावर 1 बाय 7, बिल्कुल। तो क्या आएगा माइनस 7 अपॉन 5 और t की वैल्यू है अपनी, इसमें एक और काम था x माइनस 2 जो माइनस माइनस प्लस लोगे ना सर 5 प्लस हो जाएगा, प्लस हो बिल्कुल, तो देन 1 बाय 7 अपॉन 5 तो उल्टा हो गया। तो x माइनस 3 आपका भाई t लिखोगे तो t की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 की पावर 1 बाय 7। तो देन इसका है क्या कोई ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन में आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसका, बिल्कुल, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या करना है, आपको रिडक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन गिवन है, तो आपको 7i43 माइनस 4i32 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन i43 की बात करते हैं, ये लेंथ ही क्वेश्चन है बट देखते हैं क्या करना है। i43 में लिखोगे आप m को 4, तो क्या आ गया सर, cos की पावर 4x सॉरी 4x sin की पावर 3, बस इसी में अपन i लेट यूज करेंगे, तो ये जो अगला वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा अपन को। तो इसको तो लेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो क्या आ गया i 4, 3 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos माइनस cos 3x अपॉन 3, बिल्कुल माइनस इंटीग्रेशन। देखो cos की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 cos क्यूब x इनटू साइन x इनटू साइन x और साइन 3x का इंटीग्रेशन cos 3x अपॉन 3, cos का करोगे तो माइनस साइन एक्स होगा तो प्लस, और साइन थ्री एक्स करोगे तो माइनस प्लस, तो माइनस माइनस दोबारा प्लस, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, cos 3x अपॉन 3 और cos 3x अपॉन 3 dx, ये आ गया ना। अब इसके बाद देखो क्या करना है, इसको तो आप दोबारा लिख देना, तो i 4, 3 इक्वल टू इसको अपन अल्फा लेट कर देते हैं पूरे को, इसको क्या लेट कर लेते हैं अल्फा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो अल्फा माइनस 4 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें देखो क्या करना है cos cube x, ये जो sin x cos 3x है इसमें 2 sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो एक काम करो एक 2 को बाहर और एक 2 को जब आप इसके साथ मर्ज करोगे तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा sin of a plus b और minus sin of a minus b, ये आ जाएगा। तो देखो दिस पार्ट आने के बाद क्या करना है,
देखो जब आप इस cos क्यूब x से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आएगा सर i 4,3 इक्वल टू अल्फा, अल्फा का मीनिंग ये ध्यान रखना इसको ठीक है, माइनस 2/3 और ब्रैकेट में देखो इस पे जब सेपरेट इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या आएगा cos 2x sin 4x, cos 2x into sin 4x और ये आ गया माइनस cos 2x sin 2x और cos 2x sin 2x का मतलब i 3,2 बन जाएगा, 3,2 बन जाएगा देखो आगे ठीक है, तो लिख देते हैं i 3,2। अब ओनली आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको अपन अगेन i1 लेट कर देते हैं, क्या लेट कर लेते हैं i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करो आप sin 4x में sin 2x का फॉर्मूला तो 2 sin 2x cos 2x और cos 2x और अगेन sin 2x में इसका फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या जाएगा i1 इक्वल टू 4 sin x cos x, तो ये आ गया cos की पावर 4x sin x into cos 2x। ये आने के बाद आप अगेन इस 2 को अंदर शिफ्ट करके 2 sin a cos b का फॉर्मूला यूज करो तो देन सीधा आ गया i1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos की पावर 4x और ये हो गया sin a plus b 3x minus sin x। तो अगर आप इसको cos की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देन i इक्वल टू ये तो बन गया i 4,3 तो ट्वाइस ऑफ i 4,3 minus ट्वाइस ऑफ दिस इज cos की पावर 4x into sin x। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा अपन को, अभी थोड़ी सी मेहनत और है टी को टी पुट करके अपना ना इसको टी से बात नहीं मिलेगी इसमें, इसको भी आपको आईएमएन में लाना, तो एक काम करो इस पे से एक cos अंदर ले जाओ उसमें, एक cos को जब अंदर लेके जाओगे तो देखो क्या आ गया ट्वाइस ऑफ आई 4,3 माइनस देखना cos 2x और 2 अंदर चला गया तो 2 sin x cos x sin 2x तो ये बन गया ना आई 3,2। तो चलो i1 की वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं इस जगह, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो क्या लिखोगे सिंपल हो जाएगा i 4,3 इक्वल टू अल्फा की वैल्यू माइनस cos की पावर 4x cos 3x/3 माइनस 2/3 ब्रैकेट और i1 की वैल्यू क्या है, हाँ ये कंप्लीट 2i 4,3 i 4,3 माइनस i 3,2 माइनस i 3,2 और माइनस के i 3,2 और है तो डबल हो गए, ट्वाइस कर देते हैं इसको, इसको सीधा डबल और अब 2,3 से जब मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आ गया माइनस के 4/3 i 4,3 तो इसको उधर ले आओ तो कितना जाएगा 7/3। अपने क्वेश्चन में 3i 4,3 की वैल्यू चाहिए इसमें, देखो 7i 4,3 की चाहिए, हां सही क्या करना है देखो इसको एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ये चलो बाद में कर देना कोई दिक्कत नहीं है, तो जब i 4,3 को 4 टाइम लेके आओगे आ वाला वहां जाएगा 7/3 तो 7/3 तो क्या आ गया 7/3 i 4,3 इक्वल टू माइनस अल्फा अल्फा चलने देते हैं और ये आ गया प्लस 4/3 i 3,2 तो देखो अब 3 से मल्टीप्लाई करके 3 तो अल्फा के अपॉन में भी आ रहा ना तो कैंसिल आउट हो गया और इसको आप इधर लेके आओगे तो आ गया 7i 4,3 माइनस 4i 3,2 इज माइनस cos की पावर 4x cos 3 ठीक है, तो रिडक्शन फॉर्मूले से करना था तो देन इसका देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4x थर्ड जाएगा इसका cos 3x थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो उसके बाद देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से अपना है ना साफ दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा कॉमन फॉर्म है ना x² + a² तो जब भी अपने पैसे दिखेगा तो x की जगह अपन क्या कर लेंगे x की जगह रखेंगे a tan theta तो a tan theta रखते ही हो जाएगा dx equals to a sec square theta d theta तो बस अब इसको सीधे अपन कर लेते हैं, देखो यहां से देखो अब a square tan square theta तो a square कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा a square sec square theta। चलो एक स्टेप लिख लेते हैं a square sec square theta की पावर 2 और dx की और da हां dx की जगह a sec square theta यहां लिख देते हैं a sec square theta d theta yes sir। अब बस खत्म सारी कहानी है ना, अब a square की पावर स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा पावर 4 तो 1 अपॉन में a की पावर 4 बाहर आ गया और यहां पे बचेगा sec square theta से sec square theta a तो a cube कर दो सीधा बिल्कुल a cube ही कर देते हैं इसको
और यहाँ पर बचेगा वन अपॉन सेक स्क्वायर, उसका उल्टा हो जाएगा कॉस स्क्वायर, वन अपॉन में क्या बचेगा सेक की पावर फोर, तो कैंसिल आउट होगी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। और इसके लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कॉस का थीटा होता है अपना वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन में टू, तो अपॉन में जो टू है उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसको आराम से आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा सीधे वन अपॉन टू ए क्यू, टू ए क्यू वन का तो आएगा थीटा, थीटा और कॉस टू थीटा का साइन थीटा अपॉन टू, साइन टू थीटा अपॉन टू, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या जाएगा ओनली साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। तो देखो अपन को साइन कॉस और थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो फटाफट से पुट कर देते हैं, इक्वल टू वन अपॉन टू ए क्यू, थीटा की जगह तो आ जाएगा एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए प्लस देखो टेन थीटा आपका कितना है सर एक्स अपॉन ए, तो आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल, तो साइन इनटू कॉस का मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में, साइन तो क्या होगा एक्स अपॉन दिस और कॉस ए अपॉन दिस, तो ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो अपना आंसर हो गया इसके हिसाब से टेन इनवर्स वन अपॉन ए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया सीधा इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन के बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बताओ फोर्थ में क्या कह रहा है आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर साइन एक्स, क्या आ गया वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई, एफ एक्स की पावर जी एक्स, याद आ रहा है एफ एक्स और जी एक्स का डिफरेंशिएशन अपन कैसे करते हैं लॉग लेकर, है ना। तो इसमें एक बात छोटी सी ये समझ आ रही है मेरे को, यदि मैं एक्स की पावर साइन एक्स को टी रखूं तो क्या इसका डेरिवेटिव बनेगा, तो ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए ना कि एक्स की पावर साइन एक्स क्या करेंगे लॉग लेंगे, तो साइन एक्स लॉग एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो हाँ दिख रहा है वन अपॉन एक्स भी दिख रहा है और कॉस एक्स भी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को पुट करना है इसमें क्या एस, इसमें अपने को पुट करना है x टू द पावर sin x को t और लॉग ले लो इसका, तो क्या हो जाएगा ये ln t equals to sin x log x, log x ln x, तो 1 upon t dt, ये हो जाएगा 1 upon t dt equals to फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x into ln x प्लस log x का 1 upon x into sin x, sin x। अब थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे अपन, तो dt equals to आ जाएगा अपने पास t को मल्टीप्लाई वहां करते हैं, और t कौन था अपना x की पावर sin x, हाँ, तो x to the power sin x into cos x log ln x प्लस sin x sin x upon x। तो आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो आप कि अपने पास जो अंदर ब्रैकेट में है वही चीज आ गई डेरिवेटिव इसका, dt बन गया, तो क्या बन गया पूरा का पूरा dt, तो क्या हो जाएगा अपना dt बन गया, जैसे सर ने लिख दिया है, तो क्या हो गया ये इसको हमने t रखा था, हाँ, तो पूरा t चला गया, तो पूरा पूरा क्या हो गया t में चला गया dt, पूरा पूरा t चला गया, तो क्या हो गया अपना t + c, और t क्या था अपना x की पावर sin x, मतलब इसका आंसर आ गया इंटीग्रेशन के अंदर वाला पार्ट है सिंपल x की पावर sin x का डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो सीधा dt चला जाएगा। चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो आप, तो ये आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन cos x, और ये अपन को पता है कि जब भी 1 के साथ cos हो तो उसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो इस cos को क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर x / 2 - 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो न्यूमेरेटर में आ गया 2 cos स्क्वायर x / 2 का रूट, दिस इज रूट 2 cos x / 2 dx, और अपॉन में आ गया बेटा रूट cos x, और अब आप थोड़ा ढंग से देखो ये cos x / 2 किसका डेफिनेशन है sin x / 2 का, एक काम करो ना cos x को sin की टर्म में लिख सकते हैं बेटा 2 sin स्क्वायर x / 2 x / 2 dx, ये लिखने के बाद अब देखो क्या करो अपन इसको t मानते हैं, तो इसमें ऐसे लिखो ज्यादा बेटर है, एक ऑप्शन तो क्या है आप सिंपल sin x / 2 को t मान सकते हैं, मैं इसमें क्या करूंगा रूट 2 sin x / 2 को t लेट करते हैं अंडर रूट 2, तो से एक स्टेप अपनी बच जाएगी है ना, इसको t लेट करने पे देखो रूट 2 एज इट इज sin का cos x / 2 into 1 / 2 dx equal to आ गया बच्चों dt, तो देन रूट 2 cos x / 2 dx की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं dt, सॉरी 2 dt, 2 को देन क्वेश्चन आ गया I equal to dt upon 2 dt upon under root 1 minus
टी स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको रूट टू लिखा था, क्योंकि ये क्या चीज है, रूट टू साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर है। बिल्कुल। और अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी, टी और बेटा टी की वैल्यू पुट करोगे रूट टू साइन एक्स वाई टू साइन एक्स वाई टू प्लस सी। तो देखो एक आंसर तो इसका ये हो सकता है, बट ये शायद ऑप्शन में गिवन नहीं है, है ना, ये करेक्ट आंसर है। तो देखो जो ऑप्शन में गिवन है, देखो पहली बात तो टू आना चाहिए, तो या तो थर्ड ऑप्शन आ सकता है या फोर्थ ऑप्शन आ सकता है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको साइन इनवर्स को पहले कॉस में लाने की ट्राई करते हैं। तो एक काम करो, इसको आप थीटा लेट करो, तो साइन इनवर्स दिस पार्ट को थीटा लेट करोगे तो क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू दिस पार्ट। तो ये आ गया बच्चों साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन एक्स वाई टू। तो देखो उससे कॉस एक्स वाई टू की वैल्यू के लिए क्या करोगे, ये तो क्या रूट टू साइन एक्स वाई टू, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, इसको थीटा लेट करोगे तो ये वन है, तो इसका बेस क्या जाएगा वन माइनस जिसका स्क्वायर, ये आ गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू दिस इज कॉस एक्स। तो इसे कॉस थीटा क्या आ गया बताओ, रूट कॉस एक्स। तो ये आंसर आ गया आई इक्वल टू टू थीटा प्लस सी, क्योंकि आपने इसको थीटा पुट किया, और इससे थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, कॉस इनवर्स ऑफ रूट कॉस, टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो इनवर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन सही है, करेक्ट होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आ ही नहीं सकता इसका। हाँ, फोर्थ ऑप्शन अगर लेके आना है तो देखो, सॉरी फोर्थ ऑप्शन का टाइप अगर लेके आना है तो इसका एक ऑप्शन है, आप cos inverse x को लिख सकते हो pi by 2 minus sin inverse x, तो इसको आप लिख सकते हो i equal to 2, तो ब्रैकेट में लिखो pi by 2 minus sin inverse, सॉरी हाँ sin inverse root cos x, cos x plus c। तो जब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो देखो क्या आ गया, ये 2 से अंदर करो तो आ गया minus k2 sin inverse root cos x plus c हो जाएगा, ये pi है, pi को c में ऐड करो दोबारा c, तो एक ऑप्शन ही हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन उसी केस में करेक्ट होगा जब आप इसके आगे माइनस टू करोगे, ठीक है ना। तो अभी तो इसका बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखो क्वेश्चन सिक्स में तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, देखो जब भी वन के साथ साइन हो ना, तो वन को लिखा करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आ गया साइन टू एस का टू एस सी, तो ये क्या बन गया sin थीटा sin x minus cos x का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आ गया i equal to integration of sin x plus cos x dx upon, ये आ गया sin x minus cos x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट हटाओगे तो क्या लिखोगे मोड ऑफ sin x minus cos x। अब एक काम करो आप, देखो ये डिपेंड करेगा मोड x का इंटरवल क्या गिवन है, तो अपन एक काम करते हैं क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है वो सिंपल प्लस माइनस के फॉर्मेट में गिवन है। तो एक काम करो आप सीधा मोड को रिमूव करके प्लस माइनस लगा दो आप, तो ये आ गया i इक्वल टू प्लस माइनस साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस ऑफ dx। तो अगर आपको पता हो जैसे ही आप इसको बच्चों t लेट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x plus sin x, तो क्या बन गए dt upon t, तो this is ln t, तो क्या आंसर आ गया इक्वल टू प्लस माइनस ln of t, t का मतलब s minus c sin x, तो sin x minus cos x, तो मोड लगाना है अपन को, ठीक है, क्योंकि depends on interval of x, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सर देखो क्या करना है इसमें, क्वेश्चन 7 इंटीग्रेशन करना है अपने को 4x upon x square plus 1 into x square plus 3 करते हैं। सबसे पहले क्या मैं देख पा रहा हूँ कि नीचे क्या क्वाड्रेटिक है और ऊपर क्या है अपना लीनियर है, दो क्वाड्रेटिक है ना, तो अपन क्या करते हैं किसी भी एक क्वाड्रेटिक को क्या करते हैं टी मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो अपन यहाँ लिख देते हैं पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। यस सर। अब एक्स डी एक्स टू एक्स डी एक्स तो क्या हो गया डी टी, तो लिख दे कर देते हैं पुट, तो ऊपर आ गया टू डी टी अपॉन अपॉन t into t plus 2 ये आ गया। अब मैंने क्या किया इसको, मेरे को दिख रहे हैं दो लीनियर फैक्टर्स हैं नीचे, तो उसको अपन क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये आपको पता ही है पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको ना डायरेक्ट ब्रेक कर लिया है ना 1 अपॉन में t और माइनस 1 अपॉन में t plus 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लो आंखों यहाँ में ना कैसे t plus 2 minus t, तो t से जाएगा 2 आ जाएगा, तो इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एडजस्ट हो जाएगा अंदर, तो ये आ गया 1 अपॉन t minus 1 अपॉन t plus 2। अब आपको दिख रहा है 1 upon linear क्या होता है log of that linear, तो क्या हो जाएगा ये
log of t minus log of t plus 2 plus c, और log a minus log b क्या होता है, log a upon b, तो ये हो जाएगा log of t upon t plus 2 plus c, और t की वैल्यू जब t की वैल्यू अपने पास x square plus 1, तो ये आ जाएगा x square plus 1 upon में x square plus 3, तो थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन 8 में देखो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और क्वेश्चन में गिवन है बीटा ग्रेटर देन अल्फा, देखते हैं इसका यूज क्या बाद में। तो देखो ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है, ये कौन सा फॉर्मेट है सुन लो एक बार, ये फॉर्मेट है बेटा इंटीग्रेशन dx / रूट ऑफ, अंदर का जो पार्ट है वो क्या क्वाड्रेटिक पार्ट है bx + c, ठीक है। तो इसको करने के दो ऑप्शन है, कि जो रूट के अंदर वाला पार्ट है वो अगर क्वाड्रेटिक का पार्ट है बट उसके फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, फिर तो क्या करोगे बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, और अगर बाई चांस इसके क्या कर सकते हो आप फैक्टर कर सकते हो, तो फिर सिंपल ऑप्शन है, तो इसके फैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, तब किसी एक को टी स्क्वायर ऐड करो तो उससे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो। तो अपने एक काम करते हैं इसमें x माइनस अल्फा को बच्चों टी स्क्वायर ऐड कर लेना। तो देखो x माइनस अल्फा को जब टी स्क्वायर कंसिडर करोगे तो dx तो आ गया बेटा 2 ऑफ t dt, यस सर, जी सर। तो चलो अपन इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्वेश्चन आ गया लेट i इक्वल टू 2t dt अपॉन, थोड़ा केयरफुली देखना, रूट ऑफ टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर पुट करोगे तो टी स्क्वायर का रूट तो बाहर टी आ गया, और इसमें आप x की वैल्यू पुट करोगे क्योंकि क्वेश्चन x की वैल्यू पुट करनी क्योंकि क्वेश्चन को dt है तो t की टर्म में लाना है, तो क्या जाएगा रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, x की जगह आएगा टी स्क्वायर माइनस अल्फा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जाएगा बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर, यस सर। तो एक काम करो बीटा माइनस अल्फा को एक साथ लिख देते हैं, ये लिखने के बाद देखो क्या आ गया, टू तो कांस्टेंट है बाहर, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, और इसको आप एक बार और लिख सकते हो रूट ऑफ रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा शायद कि ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, इसलिए इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज रिवर्स करके लिखना पड़ता। और कौन सी फॉर्मेट है, वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए का मीनिंग रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और साथ ही साथ एक काम करो ना, टी की वैल्यू क्या है रूट एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा, तो आप चाहो तो दोनों पे रूट एक साथ लगा सकते हो, तो देन इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, साइन इनवर्स, हां सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें से जेड हटा देना, वैसे ही मिसप्रिंट है बेटा, ठीक है ना। चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में देखो क्या कह रहा है, let fx equals to x upon 1 plus x to the power n whole to the power 1 upon n, n अपने को गिवन है क्या है कि 2 a 2 से ग्रेटर है, अच्छा gx क्या फंक्शन है अपना, कंपोजिट फंक्शन है f(f)(f)x, और f कितनी बार आ रहा है इसमें, n टाइम्स आ रहा है, ये जो f आ रहा है f(f) कितनी बार करना है अपने को, n टाइम्स करना है, यस। तो अब अपने को कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगी, x टू दी पावर n माइनस 2 gx, यानी कि पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, gx निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं gx निकालता हूं, तो एक काम करता हूं पहले मैं gx निकालता हूं, तो यहां लिख लेता हूं मैं फंक्शन को एक बार, x अपॉन में 1 प्लस x की पावर n होल टू दी पावर 1 अपॉन n, पहले f(f)x फाइंड करो एक बार, सबसे पहले अपन कंपोजिट f(f)x निकाल लेते हैं, f(f)x, यस सर। तो f(f)x का मतलब क्या हो गया, f के अंदर fx, हां तो इसका मतलब हो गया f of this x upon me 1 plus x to the power n whole to the power 1 upon n, yes sir, ये निकाल, तो इस वैल्यू को रखना है किसमें, अपने को x की जगह पर जहां जहां x आ रहा है, तो करते हैं एक बार, तो सबसे पहले ऊपर रखेंगे अपन, तो क्या जाएगा x upon 1 plus x to the power n की whole power whole to the power 1 upon n upon 1 plus x to the power n, यानी कि किसकी, इस पूरे इस x की पावर n है, इसका मतलब इस पूरे की पावर n, तो क्या हो जाएगा x की पावर n आ जाएगा, और नीचे वाली की पावर जब n होगी तो 1 upon n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, yes, sir. तो वो अपना बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 plus x टू द पावर n बचेगा, फिर होल पावर, होल टू द पावर क्या है इसकी 1/n, तो होल टू द पावर क्या आ गई इसकी 1/n, एलसीएम ले लो, तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, अच्छा देख लेते हैं अपन, है ना, तो यहां पर क्या है 1 plus x की पावर n की पावर होल की पावर 1 upon n है, और यहां भी आप देखो तो क्या आएगा 1 plus x की पावर n की पावर 1 upon n, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो अपन सीधे स्टेप लिख देते हैं,
इसके आगे वाला स्टेप आ जाएगा आपका x अपॉन में आ जाएगा, ये यहां जाएगा तो 1 आ गया। तो देखो 1 plus x की पावर n है, तो 1 plus x की पावर n plus x की पावर n तो 2 हो जाएगा। यस सर, हां ये आ जाएगा सर, ये आ गया इसका। ये क्या आ गया अपना, ये कौन आया, ये f(x) आया। ये अभी f कितनी बार आया, सिर्फ 2 बार। देखो f(x) में क्या था, fx में था x अपॉन में 1 plus x की पावर n होल टू द पावर 1 अपॉन n। तो यहां पे कोफिशिएंट क्या था, x की पावर n का 1, यहां कोफिशिएंट कितना हो गया 2। अब ऐसे ही आप जब 3 जब f(x) निकालोगे, fx निकालोगे तो इसमें क्या आएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। आप निकाल के देखना आराम से ना, 3 आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जब n टाइम्स आएगा कौन f(x) है ना, तो फिर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो अपन एक और लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा आपका x अपॉन 1 plus 2 की जगह आ जाएगा n, 2 की जगह आ जाएगा आपका n, 1 plus n x की पावर n होल टू द पावर 1 अपॉन n। बस अब इसका अब ये कौन आ गया gx, अब ये कौन है अपना gx है। अब ये gx आ गया, आ चुका है आपके पास, तो gx को उठा के अपन कहां रखते हैं, यहां पर रख दें। तो ये क्या हो जाएगा अपना, फंक्शन तो बन जाएगा, ठीक है, यही रख लेते हैं सीधे। देखो i इक्वल टू, ये आ गया i इक्वल्स टू x टू द पावर n माइनस 2 x अपॉन 1 प्लस nx टू द पावर n की पावर 1/n। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं x पावर 1 x पावर n माइनस 2, तो कितना हो जाएगा x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस nx टू द पावर n होल टू द पावर क्या है 1 अपॉन n। अब थोड़ा सा जगह थोड़ी कम है, तो अपन ऐसा करते हैं, काम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा देखते हैं अपन। तो x की पावर n माइनस 1 है, तो x की पावर n को मैं t पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, बट ये क्या कांस्टेंट से दोनों, तो अपन एक साथ रख देते हैं किसको, t की पावर n लेट कर दूंगा। तो अपन क्या करते हैं, पूरे को रख देते हैं एक साथ, ठीक है। तो अपन क्या कर लें, कंप्लीट पार्ट को t लेट कर लो। तो आप ऐसे लिखो पुट 1 plus n x टू द पावर n इक्वल टू t टू द पावर t की पावर n लेट कर दो। देखो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n स्क्वायर x की पावर n माइनस 1 dx dx इक्वल टू n t की पावर n माइनस 1 dt, ठीक है। तो एक n तो n कैंसिल, तो बेटा दिस पार्ट की वैल्यू पुट करोगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बोलो t की पावर n माइनस 1 dt अपॉन n, और ये क्या आ गया t की पावर n की पावर 1 अपॉन तो ओनली कितना आएगा t t, और ये आपको पता है t ये क्या है, तो क्या बन जाएगा n माइनस 2, मतलब फाइनली ये जो पार्ट है वो क्या आ गया t की पावर n माइनस 2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लिखो 1 अपॉन n t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस c, प्लस c लिख देना, तो देन आंसर आ गया। ये तो अपॉन में कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन n इनटू n माइनस 1, और t की वैल्यू क्या थी सर, t की वैल्यू थी दिस पार्ट की पावर 1/n, तो ये आ गया 1 प्लस nx nx की पावर n की पावर 1 upon n, और ये तो लिखना अपन को, तो n minus 1 upon n minus 1 upon n, तो ये आप यही कर सकते, ठीक है ना। तो बस गुणावा करने हैं उसके बाद, तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है, ऑप्शन ही गायब हो गया, ठीक है। 1 upon ये लो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया ना, नीचे इसमें n ये रहा n into n minus 1, क्योंकि जब इसको सेपरेट डिवाइड करोगे आप, देखो हां पावर को, जब आप इस पावर को सेपरेट डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जिसकी पावर 1 minus 1 होगी, ठीक है। तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, चलो नोट करो उसको जी, ठीक। चलो तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 में क्या करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अपॉन cos ऑफ x माइनस पाई बाई 3 x माइनस पाई बाई 3 और साइन ऑफ x माइनस पाई 6। अब इसके बाद देखो क्या करना है, ध्यान रखना, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो, कॉस समथिंग और साइन समथिंग हो अपॉन के अंदर, मतलब एक फॉर्मेट है जिसको आप याद कर सकते हो, dx अपॉन, जैसे लेट इसको समझने के लिए मैंने a लेट कर दिया, इसको समझने के लिए b लेट कर दिया। तो अगर ये कॉस a साइन b का फॉर्मेट हो, दो चीजें हो सकती हैं, ये दोनों कॉस दोनों साइन हो सकते हैं, सेम होंगे यार, फिर तो क्या करना है आपको, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्रिएट करना है न्यूमेरेटर में, और अगर एक साइन और एक कॉस है तो फिर कॉस का फॉर्मूला क्रिएट करोगे आप न्यूमेरेटर में। इसका बेनिफिट क्या, वो भी लिखने के बाद देखना। तो अपन क्या करेंगे, ये कॉस और साइन है, तो देखो आप ब्लैक बोर्ड पे
जो बी में से ए का डिफरेंस देखोगे आप, एंगल बी में से एंगल ए को सबट्रैक्ट करोगे तो क्या रहा है 30 डिग्री। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसमें ये दोनों साइन कोस है तो अपन कोस बी माइनस ए का फॉर्मूला न्यूमेटर में क्रिएट करने की ट्राई करेंगे। तो उसको लिखोगे आप आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस ऑफ बी माइनस ए, ए और बी की वैल्यू को लास्ट में पुट करना स्पेस की वजह से, कोस ए साइन बी इंटू डी एक्स। अब आपने कोस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करोगे, करना पड़ेगा बी माइनस ए का मतलब 30 है ना, तो आपने कोस 30 से डिवाइड किया, कोस 30 का मीनिंग रूट 3/2, तो ये आ गया 2/√3, ठीक है ना। ये करने के बाद कोस बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या लिखोगे, कोस बी कोस ए प्लस साइन ए साइन बी, तो ये लिखोगे आप कोस बी कोस ए प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी साइन बी। ये लिखने के बाद क्या करो आप, सेपरेट कोस ए साइन बी से सेपरेट डिवाइड करो आप, तो ये आ गया आई इक्वल टू 2/√3 इंटीग्रेशन ऑफ, तो सेपरेट डिवाइड करने पे देखो कोस ए कैंसिल तो ये बन गया कोट बी, कोट बी प्लस अगला बन जाएगा बच्चों कोट ए, ठीक है। और अब आप देखो कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा हमने, लॉग साइन एक्स, तो क्या जाएगा ये सर टेन ही बन जाएगा, आई इक्वल टू नहीं सॉरी टेन बनेगा ना, क्योंकि साइन ए साइन बी है ना, साइन ए साइन बी क्या बन जाएगा टेन बन जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन ऑफ ए, ठीक है। तो ये आने के बाद क्या लिखोगे 2/√3 कोटेक्स का इंटीग्रेशन, तो लिखना है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, तो जाएगा लॉग साइन बी, साइन बी का मीनिंग क्या है इसमें, साइन बी होगा ना तो बी की वैल्यू पुट कर दो एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स, क्योंकि एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स है तो इसका वन ही होगा ना, इंटीग्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, सेक एक्स, तो क्या बन जाएगा ln sec x का मीनिंग a, और a की वैल्यू है x माइनस 5/3, ठीक है ना। तो देखो इसका बेनिफिट आपको शायद पता लग गया होगा कि जब cos का फॉर्मूला क्रिएट करोगे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में तो सेप पे डिवाइड करने पे एक cot आ गया एक tan आ गया, किसी अगर इधर sin होगा तो फिर दोनों tan या दोनों cot बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसको थोड़ा अगर सिंपलीफाई करना है तो एक काम कर सकते हो, या तो सीधा log a + log b लिख सकते हो, या फिर चलो सीधा log a + log b लिख सकते हैं इसको, तो आ गया I equal to 2/√3 ln sin x minus pi by 6 और into में क्या आएगा upon में sec, तो upon में जाएगा cos x minus pi by 3, चाहो तो कंप्लीट भी मोड लगा दो, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन तो चलो एक बार देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन मैच करने वाला, ऊपर sin नीचे cos, हाँ तो इसका बेटा cos ये थर्ड ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, आपको क्या करना है इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। देखो कैसे करोगे, इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को क्या करोगे सेपरेट डिवाइड, तो देखो सेपरेट डिवाइड करने पे आ गया क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन 3/2 x dx, ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे सेपरेट अपॉन रूट ऑफ साइन क्यूब। अब देखो जब ये लिखोगे तो क्या आ गया एस क्यूब सी क्यूब, और एक काम करो साथ के साथ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आ गया साइन एक्स कोस अल्फा माइनस कोस एक्स साइन अल्फा, ठीक है। ये बात होगा आपका फर्स्ट पार्ट, प्लस जब इसका सेकंड पार्ट लिखोगे तो सेकंड में क्या आएगा न्यूमेरेटर में ओनली कोस 3/2 x, तो चलो उसको भी लिख लेते हैं अपन, तो प्लस आ गया है कोस टू आई इक्वल टू प्लस कोस की पावर 3/2 x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ देखो साइन क्यूब सी क्यूब एस क्यूब और ब्रैकेट में एजिटिज अगेन साइन एक्स कोस अल्फा माइनस कोस एक्स इंटू साइन अल्फा, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद करना क्या है इस क्वेश्चन को, ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसमें, तो देखो एक बात सुनो, सबसे पहला काम क्या है, इस साइन क्यूब को जब रूट से बाहर लोगे तो क्या आएगा साइन की पावर 3/2, तो उससे क्या होगा बेटा ये जो पार्ट है आपका ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में सॉरी सेकंड में क्या करोगे, जब सी क्यूब कॉमन लोगे आप तो सी की पावर 3/2, तो सी वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे कैसे करना है देखो, तो पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन में देखो क्या लिखोगे आप
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो न्यूमेरेटर में आ गया dx अपॉन दिस पार्ट। अब इसमें क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर से आप cos cos x कॉमन लो, क्योंकि cos x कॉमन लोगे cos की पावर 4, बाहर लोगे तो cos स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा sec स्क्वायर, और अंदर वाला बन जाएगा ओनली tan x, जिसको t मानने पे sec स्क्वायर x dx बेटा dt मिलेगा। तो क्या करना है, इस ब्रैकेट में से अपन को cos x कॉमन लेना है, तो cos x कॉमन लोगे तो cos की पावर 4, बाहर लोगे तो cos स्क्वायर, ऊपर जाके आ गया sec स्क्वायर, तो ये आ गया sec स्क्वायर x, हां sec स्क्वायर x dx अंडर रूट ऑफ, जब आपने cos x कॉमन लिया तो क्या आ गया tan x cos अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा tan x माइनस sin अल्फा, ये तो आ गया दिस पार्ट, ठीक है, प्लस प्लस। सिमिलरली सेकंड इंटीग्रेशन में भी क्या करना है, इस बार अपन को sin की पावर 4x कॉमन लेना है, जिससे क्या बनेगा ऊपर cosec स्क्वायर x, और अंदर बनेगा cot x, जिसका डिफरेंशिएशन अगेन cosec स्क्वायर x मिल जाएगा। तो क्या करना है, इस ब्रैकेट में से जब आप sin x कॉमन लोगे तो sin की पावर 4, उसको न्यूमेरेटर में लिखोगे तो क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो बेटा sin x कॉमन लेने पे आ गया cos अल्फा माइनस sin अल्फा cot x, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये था कि दोनों को सेपरेट करो, फर्स्ट में आपको s2 कैंसिल, अगले में cos2 कैंसिल, इसमें cos की पावर 4 कॉमन, इसमें sin की पावर 4 कॉमन। अब इसके बाद देखो क्या करना है, सीधा आंसर लिखेंगे इसके बाद i इक्वल टू, अब थोड़ा माइंड में देखो क्या करना है, जैसे ही आप इस अंदर वाले पार्ट को क्या लेट करोगे t स्क्वायर लेट करोगे, सीधा t स्क्वायर लेट कर लेते हैं। तो जब आप इसको t, एक काम करो इसको अपन रिमूव कर देते, इसका कोई यूज नहीं अपने लिए, तो जब आप इसको t स्क्वायर लेट करोगे तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, cos अल्फा agt sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2 ऑफ t dt, यस सर। सिमिलरली इसको आप लेट p स्क्वायर लेट कर देते हैं, तो इसको p स्क्वायर लेट करोगे तो देखो 2 p dt, cos अल्फा का तो 0 आ गया, तो आ गया माइनस sin अल्फा, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस की cosec स्क्वायर x, तो प्लस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2 ऑफ p dp। चलो इसको जब आप पुट करोगे तो देखो क्वेश्चन क्या आ गया, i इक्वल टू, ये तो आ गया 2t dt, 2t dt अपॉन, देखो sec स्क्वायर x dx तो क्या आ गया 2t dt अपॉन cos अल्फा, और इसको लिखना है t स्क्वायर, तो t आ गया, t से t कैंसिल, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx की वैल्यू 2p dp अपॉन sin अल्फा, 2p dp अपॉन sin अल्फा, और दिस इज अगेन p, इतना आने के बाद देखो सीधा i इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2 sec अल्फा dt का इंटीग्रेशन t, और t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस पार्ट, तो क्या आ गया cos अल्फा tan x माइनस sin अल्फा, प्लस नेक्स्ट पार्ट की बात करोगे आप तो देखो इसमें भी क्या होगा p से p कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 2 cosec अल्फा और dp का इंटीग्रेशन p, और p की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा इनटू cot x प्लस c, ठीक है, ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन होगा। अब इसको देखो ऑप्शन से अपन कंपेयर करते हैं, ऑप्शन में क्या गिवन है, a cos अल्फा tan x माइनस sin अल्फा, मतलब a तो आ गया 2 sec अल्फा, इसमें a आ गया 2 sec अल्फा, और बेटा सिमिलरली b आ जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 cosec अल्फा, तो क्वेश्चन ने पूछा ab का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ab आ गया 4 अपॉन sin अल्फा cos अल्फा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 8 अपॉन sin 2 अल्फा, ऊपर जाके बन जाएगा 8 cosec ऑफ 2 अल्फा, देन इसका सेकंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हां क्वेश्चन 12 देखो, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ दिस, अपने निकालना है, इंटीग्रेशन करना है इसका, सिंपल सा अपन क्या लिख लेते हैं एक बार इसको, ये दिया हुआ है अपने को i, मान लेते हैं इसको अपन इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर x प्लस 2 कॉट x इनटू कोसेक x, यस सर। अब बस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखो तो क्या है,
टू कॉट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, टू कॉट स्क्वायर एक्स को मैंने ब्रेक कर लिया कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको अपन आराम से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी, अब ध्यान से देखो तो कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला, अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो यू कैन आप इसको लिख सकते हो क्या सीधे मैं बाहर ले लेता हूँ, ये बन गया होल स्क्वायर ऑफ तो सीधा आ गया cosec cot x plus cosec x, अब पहले इसको क्या करो थोड़ा सॉल्व कर दो dx, हां sin cos में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो उससे इजी हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन भी उसी फॉर्मेट में दिए मैंने आपको, sin और cos की फॉर्म में है तो अपन sin cos चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया cos / sin, ये हो जाएगा 1 / sin, तो क्या हो जाएगा 1 + cos / sin हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x upon sin x, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आप देख पा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, 1 plus cos x क्या होता है 2 cos square x by 2, तो ये हो जाएगा 2 cos square x by 2, और नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ एंगल फॉर्मूला से हो जाएगा 2 sin x by 2 cos x cos x by 2, यस ये हो गया dx, अब साफ देख पा रहे हो cos कैंसिल आउट हो जाएगा एक और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो cos upon sin क्या हो गया cot x by 2, और cot का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा है यहां कर लेते हैं बच्चों को पार्ट i = cot x by 2 cot x, और cot x का होता है अपना log of sin x, तो ये जाएगा ln sin x by 2 upon 1 by 2, अब upon में क्या होगा 1 by 2, तो क्या कर दूं मैं सीधे लिख दूं 2 yes, डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया ये कह सकते हैं मैं, तो 2 तो क्या हो गया ये आ गया, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा sin x by 2 सेकंड ऑप्शन आ गया, हां यस सर, ठीक है तो अपन को उसमें से रूट को रिमूव करना था, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, तो देखो क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है अपने से sin 101x * sin टू द पावर 99x, तो क्या करें अपन, अपन ने क्या कर लिया इसको ब्रेक कर लेते हैं ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं तो उससे क्या होगा क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो क्या क्वेश्चन लेंथी जाएगा और फिर क्या है दो का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में ना, तो अपन क्या करते हैं इसको और कर भी नहीं पाएंगे उससे क्योंकि देखो जो ऑप्शन है ना सब में 100x आ रहा है, तो 100x को आपको ब्रेक करने पड़ेगा बनी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका सबसे पहले मैंने क्या लिया i मान लेते हैं इसको अपन, अब इसको लिख लिया 100 plus 1, तो क्या हो जाएगा 100 plus 1x हो जाएगा, तो मैं क्या लगा दूं उसमें sin a plus b लगा दूं, हाँ. तो मैं सीधे लगा रहा हूं sin a cos b plus cos a sin b into बाहर इसमें बैठा हुआ है sin to the power 99x, इसको कर दो dx, अब अपन इसको कर लेते हैं, अब ये हो जाएगा अपना क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो sin चलो sin 100x into cos x sin to the power साइन आ जाएगा ये आपका साइन एक्स की पावर 99 प्लस सेकंड जो पार्ट होगा उसमें सिंपल कॉस 100x और यहाँ पे हो जाएगी साइन की पावर 100 हो जाएगी ये दोनों पर अलग अलग डी एक्स, अब इसको अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं और इसको अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन, तो ये हो गया आपका अच्छा, अब देखो इसमें क्या करा आपने इसको तो एक पार्ट मान लिया और इसको एक पार्ट मान लिया, तो इसको मैंने मान लिया सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के लिए और इसको मैंने मान लिया फर्स्ट पार्ट, हाँ इसको अभी अपन नहीं कर रहे हैं ना, अब देखो क्या होगा चलो यही कर लेते हैं, तो इसमें देखो आप ध्यान से क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू साइन, देखो इसको फर्स्ट फंक्शन माना है मैंने है ना, ये फर्स्ट फंक्शन है तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन साइन 100x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसको देखो क्या करोगे आप इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करोगे तो sin x को t रखूंगा मैं तो t की पावर 99 और इसका डेरिवेटिव कौन है cos x तो cos x * dx ये क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, तो t की पावर 99 बचेगा और t की पावर 99 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t की पावर 100 / 100, तो इसको अपन सीधे लिख सकते हैं s की पावर sin x की पावर 100 / 100 yes, माइनस, अब हम बात करते हैं किसकी माइनस आगे अगला पार्ट क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट * इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cosin 100x का 100 cos 100x यस सर 100 cos 100x ये दोबारा, अब हम आगे चलते हैं इसका इंटीग्रेशन फिर से करना है तो वही आ गया यही, तो क्या आ जाएगा ये sin x टू द पावर 100 अपॉन में 100 dx और ये सेम ये क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा अपना कैंसिल आउट हो गया सीधा, इसलिए क्योंकि ये क्या है 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, आप देखो ध्यान से तो ये क्या है cos 100x * ये सेम तो दोनों क्या होगा कैंसिल आउट, ये आंसर ये प्लस में था है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ये आ जाएगा सीधे, तो ऑप्शन अपने पास है sin 100x sin 100x sin x फर्स्ट आंसर ही आ गया इसका, हां फर्स्ट हो गया फर्स्ट आंसर जाएगा, ठीक है चलो
आपको एक फंक्शन गिवन fx, देन प्रिमिटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू dx. प्रिमिटिव का मीनिंग क्या है? किसका fx का आपको x के रिस्पेक्ट में करना इंटीग्रेशन. मतलब ये हो गया एक तरीके से I equal to integration of fx dx. ये मीनिंग है कि fx का dx के रिस्पेक्ट में प्रिमिटिव बताना है. जैसे इंटीग्रेशन fx dx. अब देखो इसमें करना क्या है, पहले इस fx फंक्शन को बेटा सिंपलीफाई करना है. तो देखो सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया होना चाहिए अपन को. जैसे लेट अगर आप sin x को एक, चलो लिख देते हैं, अगर आपने sin x को a लेट किया, सुनना डायरेक्ट, क्यूब को भूल जाओ और sin x plus 2 by 3 को b लेट करो, और बेटा sin x plus 4 by 3 को जब c लेट करोगे, तो जब a plus b plus c की बात करोगे, ये थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी किसी भी क्वेश्चन में a क्यूब plus b क्यूब plus c क्यूब गिवन हो, तो आप ये जरूर चेक करें कि कहीं गलती से a plus b का सम जीरो तो नहीं आ रहा. तो जब आप a plus b plus c की बात करोगे, तो क्या होगा, sin x plus sin 120 plus x, और ये आ गया sin 240 plus x. हाँ है ना. तो जब आप इन दोनों में cd फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो ये बेटा माइनस sin x आने वाला है. तो देन a plus b plus c कितना जाएगा, से जीरो. और अगर a plus b plus c जीरो हो बेटा, तो ये आपको आना चाहिए कि a cube plus b cube plus c cube को लिख सकते हैं बेटा 3abc. मतलब fx आ गया thrice of sin x sin, मतलब thrice of sin x sin 120 plus x sin 240 plus x. ठीक है, तो चलो उसको अगेन लिखते हैं कि जो फंक्शन है आपका fx, वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, 3 into sin x sin x plus 120 plus x और sin 240 plus x. 240 plus x. अब इसके बाद एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा सबने ट्रिग्नोमेट्री में, मैं बोल देता हूं आपको, sin theta sin 60 plus theta और sin 60 minus theta को सीधा लिखते हैं 1/4 sin theta. तो देखो इसमें 60 का रो नहीं, तो इसको 60 में लेके आते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 3 sin x 120 plus x को लिख दो pi minus 60 plus x. हां है ना, आ गया ना, pi minus 60 120 minus करो सॉरी, तो sin pi minus theta is sin theta, तो ये तो आ गया sin 60 minus x. क्या आ गया, 60 minus x. सिमिलरली इसको लिखना है आपको 180 plus 60 sin 180 plus 60 plus x और sin pi plus theta minus sin theta, तो ये जाएगा minus sin 60 plus x. तो ये बन गया ना फॉर्मूला, sin theta sin 60 minus theta sin 60 plus theta, तो ये जाएगा minus theta adjacent 1/4 sin 3x. ये सिंपल सा आपका fx आ गया. अब आपको इसका क्या करना, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx क्या होगा, देखो minus 3/4 adjacent sin 3x का इंटीग्रेशन minus cos 3x upon 3, तो minus minus plus, और ये आ गया बेटा cos 3x upon 3. 3 से 3 कैंसिल, तो देन इसका आंसर क्या होगा, cos 3x upon 4. देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करने वाला है, cos 3x upon 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फोर्थ ऑप्शन. चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x2 - 1 dx upon में दिस. इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक काम करते हैं हम छोटा सा, कि जब भी आपको इंटीग्रेशन में खास कर से ना, जब भी आपको दिखाई दे x plus 1 upon x, तो देखो ध्यान रखा करो, इसका जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, हमेशा 1 minus 1 upon x square. और यदि यहाँ पे लिखा हो x minus 1 upon x, तो इसका डेरिवेटिव आता है निकल के 1 plus 1 upon x square. तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना. जब भी ऐसा दिखेगा तो इसका कहीं ना कहीं डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, नहीं तो अपन फॉर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं. चलो तो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को अपन. क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, और यहाँ पर तो मैंने क्या किया, इसको टी लेट कर लिया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा डी टी. यस सर, यहाँ तक तो हो गया. अब आ गया जब यहाँ पर, अब तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को. तो ये आ जाएगा आपका आई इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. अब देखो, अब हमने जो भी किया था उसको अप्लाई कर देते हैं. कैसे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या माना है हमने, टी माना है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया. तो यहाँ पर ये क्या, इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो ये तो क्या बन जाएगा पूरा डी टी, तो ऊपर तो हो गया डी टी. अब ध्यान से आप देखो, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो जैसा कि अभी सर ने लिखा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होता है, टी स्क्वायर, तो 2 को वहां ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा t square minus 2, और पहले से क्या है 3, तो minus 2 करेंगे तो बचेगा plus 1, तो ये हो जाएगा
टी स्क्वायर प्लस वन इंटू टेन इनवर्स टी। अब फिर से देखो, फिर से क्या होगा, डेरिवेटिव बन रहा है किसका, टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव है कौन, ये नहीं है वन अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा आपका, चलो यहीं पे कर देते हैं अपन इसको, इसको मैंने मान लिया, मान लो पी ई, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बराबर क्या आ जाएगा डी पी, तो फिर से अपन लिख देते हैं और अगर आप सीधा इस क्वेश्चन में इस टेन इनवर्स को सीधा ऐड करते हैं ना तो उससे भी जाता है, उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधा इसका डिफरेंशिएशन ही मिल जाता है कंप्लीट पार्ट, ठीक है ना, उससे आंसर आ जाता है। चलो ठीक है, फिर तो ऑप्शन में से ऑप्शन देखो कौन सा है, ln tan inverse x plus 1 over, इसका सेकंड ऑप्शन बच्चों मैच करने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, देखो 16 में क्या करना है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, देखो सबसे पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें क्या करो, न्यूमेरेटर में बेटा आप cos c minus cos d का फार्मूला अप्लाई करो, तो cos c minus cos d का फार्मूला 2 sin 15x / 2 c plus d / 2 और sin d minus c / 2, तो ये आ गया 2 sin 15x / 2 और जैसे sin d minus c x / 2 ये आ गया न्यूमेरेटर में। अब अपॉन में क्या करना है, थोड़ा सोचने वाला पार्ट है, इस cos 5x / 2 को sin के हाफ एंगल में ओपन करना अपन को, क्योंकि आपको करने से आईडिया लगने वाला है, आप इसको cos में भी कन्वर्ट कर सकते हो sin में, बट sin में कन्वर्ट करने से इसका न्यूमेरेटर का कुछ पार्ट कैंसिल होने वाला है, तो उसको बोलते हैं 1 - 2 sin² 5x, ठीक है बेटा। तो देखो इसकी वैल्यू जब ये पुट करोगे तो साथ में 2 से मल्टीप्लाई, 2 और 1 तो आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 5x/2। अब अगर आपको दिख रहा हो तो देखो ढंग से, 3 के साथ 4 आ रहा है, अगर इस डिनोमिनेटर को साइन 5x/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को बेटा sin 5x/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये काम करने से बेनिफिट क्या होगा अपन को, तो ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, दिस इज sin थीटा, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया ये sin 15x/2, इसका मतलब जो कि अपना दिस पार्ट से दिस पार्ट क्या होगा, कैंसिल आउट। तो देखो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा अपना, I equal to integration of 2 sin 5x/2 into sin x/2, 2 sin 5x/2 into sin x/2। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मल्टीप्लाई की जगह अगर समेशन होता डायरेक्ट तो सीधा अपन क्या कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई मेथड नहीं हुआ इंटीग्रेशन का, तो सीधा फॉर्मूला बन गया 2 sin a sin b का फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे, cos a minus b minus cos a plus b, तो सर ये आ गया I equal to integration of cos a minus b, तो क्या जाएगा cos this minus this आ गया cos 2x 4x/2 और minus cos of a plus b, तो ये आ जाएगा cos of 3x/dx, ठीक है बिल्कुल, 2 sin is cos of a minus b minus cos of a plus b, और ये आने के बाद sin 2x cos का sin 2x upon 2 माइनस साइन 3x साइन 3x, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको, चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करना है अपने को, पावर काफी सारी है ना, 4 5 ये, तो अपन ने क्या किया, ये क्वेश्चन ना काफी मतलब ऐसे भी क्वेश्चन काफी आपको मिलेंगे देखने को, तो अपन क्या करा, हाईएस्ट जो पावर है नीचे से ना डिनोमिनेटर में, जो हाईएस्ट पावर है अंदर ब्रैकेट के, उसको कॉमन ले लिया, तो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 15 कॉमन लो सीधा, तो x की पावर 5 कॉमन लेंगे तो 10 बाहर आएगा, सॉरी 10 आएगा, तो x की पावर 10 बाहर आ गया और अंदर बन जाएगा अपना 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, और ऊपर है अपना 5x to the power 4 plus 4x to the power 5 dx। yes, sir। तो अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर अपने को जब x की पावर 10 से डिवाइड करेंगे ऊपर न्यूमरेटर को, तो अपने पास बहुत ही क्यूट सी फॉर्म आ जाएगी, 5 upon
x to the power 6 plus 4 upon x to the power 5. Yes, sir. Whole upon 1. बहुत ही क्यूट सी फॉर्म आ चुकी है और इसका अपन क्या कर रहे हैं देखें तो डेरिवेटिव प्रेजेंट है इसको टी लेट करोगे तो सीधा इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा करो सर अब डेरिवेटिव में देखो क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं है इसको रख देते हैं अपन टी इसको अपन रख देते हैं टी तो इसको टी रखते ही क्या हो जाएगा अपना चलो ये रख देते हैं ना इसको रखा मैंने टी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 6 तो आप रख देना t तो यहां से आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस 6 अपॉन x टू द पावर 7 ये सर 5 करो 5 है ये 5 करो ये क्या है 5 तो यहां पे आएगा 5 अपॉन x टू द पावर 6 dx into dx equals to dt तो हो गया क्वेश्चन खत्म बस तो सीधे माइनस dt में क्या करना है अपने को हां ये चला जाएगा माइनस dt माइनस dt अपॉन t स्क्वायर और 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सीधे सीधे माइनस 1 अपॉन t तो माइनस 1 अपॉन t प्लस c और t हमने क्या लिया था t लिया था मैंने 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 थर्ड ऑप्शन में चलेगा ऑप्शन नंबर एलसीएम लोगे आप एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर 5 ऊपर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही है उसके बाद क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 18 देखो इसमें क्या करना है अपन को काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी ना बड़ा भाग देखने पड़ेगा तो देखो इसमें क्या मेथड है सबसे पहले इस बाहर वाले रूट को एलिमिनेट करते हैं अपन तो जो रूट के अंदर वाला पार्ट है इसी को अपन को इसमें t कंसीडर करना है तो देखो लेट x plus root of x square plus 2 को बच्चों t लेट करो अब t आने के बाद सॉरी t स्क्वायर लेट करो t लेट करो तो कोई दिक्कत नहीं तो ये लेट करने से ये तो रूट t आ गया अब dx की वैल्यू को भी आपको t की फॉर्म में लाना है तो देखो इसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होगा तो अपन क्या करेंगे इसको सिंपलीफाई करके पहले x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ t और देन उससे क्या करोगे dx तो एक काम करो x को राइट साइड में शिफ्ट करके इसकी कर दो बोथ साइड स्क्वायरिंग तो आ गया x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू t माइनस x देन स्क्वायरिंग करने से क्या होगा बेटा ये x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू t स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2tx x स्क्वायर से x को कैंसिल आउट तो 2tx को लेफ्ट में लेके आओ तो इससे x आ गया t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन t और अब इसका dx चाहिए अपन को तो क्या करोगे डिफरेंशिएशन तो एक काम और करो सबसे पहले आप इस t से कर दो सेपरेट डिवाइड तो उससे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो t माइनस 2 बाय नहीं लगा तो सीधा हो गया फर्क मतलब सेपरेट डिफरेंशिएशन इसका तो आ गया dx 1 बाय 2 t का क्या होगा 1 माइनस और इसका प्लस 2 अपॉन t स्क्वायर इनटू dt ये सिंपल आपको dx की वैल्यू पता है और इसको t पुट करना है तो जब आप इसको t पुट करोगे तो क्वेश्चन आ गया इक्वल टू अंडर रूट t ठीक है ना इसको तो क्या पुट करना था t तो रूट t आ गया और dx की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ गया बेटा 1 अपॉन 2 1 प्लस 2 अपॉन t स्क्वायर इनटू dt ठीक है सर ये बिल्कुल इतना आने के बाद अब देखो क्या करना अपन को इसको कर देते हैं इंटीग्रेट और क्या है तो रूट t बाई 2 से कर दो सेपरेट मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया रूट एक तो आ गया 1 बाई 2 रूट t प्लस इंटीग्रेशन इससे करोगे तो 2 से 2 कैंसिल 1 अपॉन t की पावर 3 बाई 2 और dt दोनों में लगाना ही है आपको तो देखो रूट t का इंटीग्रेशन t की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 तो 2 कैंसिल होकर आ जाएगा 3 इंटू t की पावर 3 बाई 2 प्लस इसको न्यूमरेटर में लाओगे तो t की पावर माइनस 3 बाई 2 का होगा t की पावर माइनस 3 बाई 2 अपॉन सॉरी माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 हाँ इसमें सर क्या है आपका 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 करोगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन 3 हाँ भाई t की वैल्यू क्या है दिस पार्ट है ना तो ये आ गया x प्लस रूट ऑफ दिस पार्ट की पावर 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस हाफ तो आ गया माइनस 2 अपॉन रूट के अंदर रूट ही तो रूट के अंदर ये पूरा पार्ट आ जाएगा आपका अगेन x प्लस रूट ऑफ दिस पार्ट ठीक है ना तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा तो मेन स्टेप ये थी कि उसको करना
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलो उसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। चलो थैंक यू।